नमस्कार, मैं स्मार्ट बिहार के इस YouTube चैनल में अगर फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर मिलती रहे। दोस्तों, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षक बहाली के छठे चरण का नया शेड्यूल जारी हो गया। 32,714 पदों के लिए 18 अगस्त से 17 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे और जो अभ्यर्थी पहले आवेदन दे चुके उन्हें दोबारा आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। नियोजन इकाई अंतिम मेधा सूची 6 दिसंबर तक सार्वजनिक करेगी। दरभंगा में 2,804 और पटना में 2,058 है, जो किसी भी जिले से अधिक है। औरंगाबाद, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, समस्तीपुर, नवादा, गया, नालंदा और रोहतास में 1,000 से ज़्यादा रिक्तियां बताई गई। कटिहार, पूर्णिया, बक्सर, बेगूसराय में भी रिक्तियां हैं। 32,714 रिक्तियों में सर्वाधिक रिक्तियां 19,389 उच्च माध्यमिक स्कूलों में है और माध्यमिक स्कूलों में रिक्तियों की संख्या 13,325 है। संशोधन नियमों के आलोक में माध्यमिक शिक्षक के सामाजिक विज्ञान विषय के लिए इतिहास या भूगोल की तरह अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र में डिग्री होने पर 5 अंक जोड़ने का भी निर्णय लिया गया। नगर निगम के लिए मेधा सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान, उसकी जांच 25 नवंबर तक की जाएगी। जिला स्तर पर कैंप लगाकर नगर पार्षद के लिए मेधा सूची में आए अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान 26 नवंबर तक किया जाएगा। जिला स्तर पर कैंप लगाकर नगर पंचायत के लिए मेधा सूची में आए अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान 27 नवंबर तक होगा। जिला परिषद के लिए मेधा सूची में आए अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान 29 नवंबर तक किया जाएगा। अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद शहरी निकाय की तरफ से अनुमोदन 2 दिसंबर को और अंतिम मेधा सूची को 6 दिसंबर तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा। 10 दिसंबर तक अनुमोदित मेधा सूची जिलों की NIC वेबसाइट पर भी दे दी जाएगी। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको बिहार की और भी छोटी बड़ी खबर मिलती रहे। साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पर आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ भी हर एक सुबह मिलती रहती है।